अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ ग्रीन चिकन, ना हरे मसाले का चिकन। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमने लिया है 1200 ग्राम मेरे पास चिकन है। ऑयल हमें चाहिए 1 टेबल स्पून, इसमें गार्लिक है 1 टेबल स्पून, जिंजर है, अदरक और लहसुन का 1 चम्मच है, और इसमें फ्रेश क्रीम है मेरे पास, ये मैंने 1 कप, आप फ्रेश क्रीम ले लें, 1 कप भर के आप इसमें दही ले लें, योगर्ट है, और जिसमें कोरिएंडर का मैंने पेस्ट बना लिया है, धनिया को मैंने पीस लिया है इस तरह ना, ये 2 या 3 बंच, मैंने 3 बंच लिए हैं, 3 बंच लेके बड़े उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, धो के अच्छी तरीके से पानी खुश करके उसे ग्राइंड कर लें, जितना भी पानी उसमें थोड़ा सा पानी, कोशिश करें कि पानी डालें उसमें। और हमारे पास प्याजे हैं, मैंने 4 प्याजे हैं बड़े साइज की, 4 ओनियन हैं इसमें लेके, 4 ओनियन, इसको हमने ग्राइंड कर लिया है, इसको भी मैंने पीस लिया है। ये मेरे पास गार्निश के लिए कोरिएंडर, लेमन और चिली, ग्रीन चिली है, और ये मेरे पास ग्रीन चिली पेस्ट है, मैंने बनाया, मतलब इसको ग्राइंड किया है मैंने, पेस्ट इसकी बनाई है, तो इसमें मैंने 8 से 10 हरी मिर्चें ली हैं, क्योंकि यहाँ की मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, ये वाली ना छोटी वाली, तो मैंने 8 से 10 मिर्चें ली हैं इसके अंदर, इसको पीस लिया है हरी मिर्चों को। और अब स्पाइसेस में आ जाते हैं। स्पाइसेस में जी हमारे पास है कसूरी मेथी है, मैंने 1 टेबल स्पून भर के ली है, और ये क्या नाम है, बादियान का फूल है 2, ये हैं, और काली मिर्चें हैं मेरे पास 8 से 10 काली मिर्चें हैं, और लौंगे हैं मेरे पास 6-7 लौंगे डाल रही हूँ इसके अंदर, जायफल जवेत्री है इसके अंदर मिक्स है, जायफल जवेत्री 2 चुटकी आपने जायफल की, 2 चुटकी आपने जवेत्री की लेनी है, दोनों की 2-2 पिंच लेनी है। और ये इसमें मेरे पास कार्डमम पाउडर है, इलायची पाउडर, ये भी आपने 1/2 टीस्पून लेना है, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, जो मेरी वीडियो चेक कर लीजिएगा, ये मेरा होममेड गरम मसाला है, 1/2 टीस्पून ये ले लिया है मैंने, कोरिएंडर पाउडर, हरा धनिया मतलब कुटा हुआ धनिया पाउडर, इसमें ये जी 1 टेबल स्पून भर के लिया है मैंने ना, क्यूमिन सीड जीरा जो है ये भी मेरे पास 1 टेबल स्पून है, सॉल्ट भी मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, सॉल्ट आप अपनी मर्जी के टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा, जितना आप सॉल्ट खाते हैं उतना डालिएगा। तो आगे बनाना शुरू कर, ये मैंने अपना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया, ऑयल गर्म करने रख दिया था, ये इसमें हमने डाल दिए प्याज, मैंने ऑयल को पहले ही 2 मिनट पहले गर्म कर लिया था ताकि जल्दी से प्याज फ्राई हो जाएगी, इसको हमने कोई कलर तो देना नहीं है। इसमें मेरे पास जितने भी स्पाइसेस हैं मेरे, ये देख लें, ये सारे डालेंगे, पहले हम इसको चिकन डालते हैं, चिकन को इसमें कलर का आपने मतलब हर चिकन को मतलब हर ये है कि आप जब भी कोई चिकन की सालन बनाएं तो उसको प्याज, बेशक अगर उसमें रेसिपी में डिमांड है कि जी आप प्याज को ब्राउन करने के बाद ही चिकन डालें और उसको फिर आपने फ्राई करना है, इसी तरीके से इसमें भी यही है कि आपने पहले चिकन डाल दिया, चिकन हमने कलर तो देना नहीं है प्याज को, बस इसमें ये करना है कि चिकन का कलर जो है हमें चेंज करना है, तो 5 मिनट हम चिकन को का कलर चेंज करते हैं, फिर उसके बाद हम बाकी स्पाइसेस डालते हैं। अब ये हमने 5 मिनट फ्राई कर लिया है, 5 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर मैं गार्लिक डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, मैं ज़्यादातर अपने सारे ही खानों में फ्रेश गार्लिक डालती हूँ उसी टाइम ग्राइंड करके उसी टाइम, क्योंकि अगर आप इसकी पेस्ट बाद में रखी हुई डाल दें 2-3 तो खाने में वो टेस्ट नहीं आता ना, इसलिए कोशिश ये करें कि वो एमरजेंसी के लिए तो ठीक है, लेकिन कोशिश ये करें कि फ्रेश डालें। अब मैंने इसमें फ्रेश 1 टेबल स्पून गार्लिक डाला है और 1 टेबल स्पून जिंजर डाला है, अदरक और लहसुन का 1 टेबल चम्मच डाल दिया है, ग्रीन चिली हरी मिर्चों की जो पेस्ट है हमने बनाई थी वो डाल दी मैंने इसके अंदर, जितने भी स्पाइसेस हैं सारे, अब स्टेप बाय स्टेप वो डाल देते हैं, इसको 2 मिनट चम्मच चलाएं, मिक्स कर लें जरा सा, करने के बाद अब मैं अपने सारे इसमें ये मसाले डाल रही हूँ, योगर्ट डाल दिया, ये हमने इसमें अपनी जो हरा धनिया की पेस्ट बनाई थी हमने ग्राइंड किया हुआ था, कोरिएंडर ग्राइंड किया था वो डाल दिया, वो डालने के बाद अब मैं इसको
15 मिनट के लिए गलने के लिए रख देती हूँ। आपने 15 मिनट इस वजह से रखना है कि आपको 80% में, क्योंकि हर एक के ओवन के कलर मतलब उसका अलग वो होती है, स्पीड अलग होती है कि उसमें तेज चल रहा है, किसी की गैस की कमी है कुछ है, तो आपने इसको 80% अपने उसमें 80 से 90% इसको गलाना है। मतलब आप ये इसी पानी के अंदर, इसमें कोई पानी डालना नहीं है, प्याज का पानी है, बाकी चीज़ों में मैंने थोड़ा थोड़ा हरा धनिया में पानी मिलाया था, तो इसी में गल जाएगा। गलने के बाद ये करना है कि फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ 15 मिनट बाद, तो मैं इसको मीडियम लो आंच पे इसको रख देती हूँ 15 मिनट तक के लिए। जितना भी इसका एक्सेस वाटर है वो अब हम ड्राई करते हैं। ये देखिए मेरा जो चिकन है वो 80% डन है ना, कंप्लीट हो गया 80% 90%। तो अब इसका पानी जितना भी आपको इसको ग्रेवी रखनी है, ऑयल देखें इसके ऊपर आ गया है। ऑयल आने का मतलब ये है कि कभी भी किसी भी सालन में जब आप उसको पका रहे हैं और उसके ऊपर ऑयल आ जाए, मतलब इतना वो कुक हो जाए उसके ऊपर ऑयल आ जाए, तो इसका मतलब है कि वो डन है। तो हमारी अब ये मसाला तो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसका मैं पानी खुश करती हूँ, फिर बाकी आगे बताती हूँ कितनी ग्रेवी रखनी है इसकी ना। ये देखें अब इसका मैंने इतनी इसकी थिकनेस रखनी है मैंने ना, इतना गाढ़ा हो ये ना। अब ऐसा करें कि इसको इसके अंदर ना ये मैं क्रीम जो मेरे पास फ्रेश क्रीम है, एक कप फ्रेश क्रीम, मतलब एक बॉल जो आपका है फ्रेश क्रीम का, वो मैं आधा इसके अंदर डाल रही हूँ और आधा मैं गार्निश में डालूँगी। तो आपने ये करना है कि अगर आप गार्निश में नहीं डालेंगे तो ये पूरा एक कप आप इसके अंदर बीच में मिक्स कर दीजिएगा, लेकिन अगर गार्निश में डालना है तो थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लें। मैं थोड़ा सा गार्निश के लिए रख लेती हूँ, बाकी सारी क्रीम जो है मेरी वो मैंने इसमें डाल दी है। अब ये देखें आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा, फिर इसके ऊपर ऑयल आ गया है। अब इसका जो 2 मिनट इसको बस स्टीम देते हैं, क्रीम देने के बाद ज़्यादा कुक नहीं करते। तो अब मैं इसका जो वो है अपना ओवन ऑन ऑफ करती हूँ, बर्नर बंद करती हूँ इसका, तो वो जो है फिर मैं आपको गार्निश करके दिखाती हूँ। जी मैंने इसके ऊपर देखें फ्रेश क्रीम डाल दी है। फ्रेश क्रीम आप जितनी बीच में अगर ऐड करना चाहते हैं तो बीच में कर लें, ऊपर से गार्निश में डालना है तो ऊपर से गार्निश में डालें, ऐड तो ज़रूर बीच में तो ज़रूर डालिएगा, और ऊपर से गार्निश के लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा अलग रख लें। तो क्रीम से इसका टेस्ट बहुत अच्छा निकलता है हरे मसाले का। इसे गार्निश करने के बाद ऊपर से मैं इसके ऊपर हरी मिर्ची डालते हैं। हरा धनिया ज़रा सा लगा दें गार्निश में, लेमन लगा दें, और ये आपकी जो डिश है रेडी है। इसको एंजॉय करिएगा, बताइएगा ज़रूर कि आपको ये कैसी लगी ये रेसिपी, और दुआओं में याद रखें। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।